निर्भेदरा न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के जिला अकोला अकोट तहसील में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन द्वारा 3 जुलाई से 9 जुलाई तक जनता कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। जिले में 73 सैंपल में से 7 पॉजिटिव एवं 66 नेगेटिव आने के समाचार हैं, जिसमें 3 महिलाएं 4 पुरुष ये पातूर मुठी उमरी पारस इकबाल नगर बुल्ढाणा के रहवासी हैं। 66 वर्षीय शंकर नगर का रहने वाला पुरुष कोरोना पॉजिटिव उपचार के दौरान मौत हो गई है। कुछ पॉजिटिव अड़गांव तेल्हारा मोटी उमरी सिंधी कैंप यहां के रहने वाले हैं। यह जानकारी राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार है। जनता कर्फ्यू में प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। पुलिस बल मुख्य मार्गों पर गश्त करते हुए नजर आ रही है। आमजन से प्रशासन ने अनुरोध किया है कि आवश्यकता हो तो ही बाहर घरों से निकले, अन्यथा जनता कर्फ्यू का पालन करें, घरों में रहें। अड़गांव से हरिओम व्यास की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के आदेश अनुसार राज्य की सभी नगर पालिकाओं में मनोनीत सदस्य नियुक्त किए गए हैं। उसी क्रम में फलोदी नगर पालिका में मनोनीत पार्षद 4 नियुक्त किए गए हैं। मनोनीत पार्षदों में 4 पार्षद अशोक बोरा हरेंद्र रणीसर जीशुलाल चौरसिया चांदनी देवी मेघवाल मनोनीत हुए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फलोदी द्वारा इन 4 पार्षदों को हार्दिक बधाई दी गई। 2 माह पूर्व देवी प्रसाद भील हत्याकांड मामले में जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर भील समाज ने धरना दिया। भील समाज द्वारा एडीएम को ज्ञापन देकर अपने मांगों की मांग रखी। ज्ञापन में लिखे मांगों को अगर नहीं माना गया तो भील समाज आगे आंदोलन तेज करेगा। भील हत्याकांड हुए को आज 2 महीना 5 दिन हो गए हैं। अभी तक पुलिस दबाव में आकर के अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया है। हत्यारों को गिरफ्तार न करने से हमें ये वहम हो गया है कि पुलिस दबाव में है और हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सके। सीबीआई की हम मांग को लेकर के 5 सूत्री मांगों को लेकर एडीएम फलोदी के समक्ष दलित आदिवासी मानव अधिकार मतलब भील समाज विकास समिति के तत्वाधान भी मेरे आंदोलन शुरू कर मांग करें कि सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता सरकार ने। बीकानेर में आयोजित अखिल भारतीय पुष्करणा नवयुग संघ की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि समाज सेवी सीए मोतीलाल रंगा के द्वारा सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्थान जोधपुर शाखा द्वारा बीकानेर में आयोजित किया गया।